लेट्स सी अप्रैल का मंथ आप लोग के लिए कैसा जाने वाला है। तो मैं कार्ड शफल करूंगी आप लोगों के सामने, ताकि और जो चीज़ें रेजोनेट करे सिर्फ वही चीज़ लेना, और जो चीज़ रेजोनेट ना करे उस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल देना। एक कार्ड गिर चुका है, उस कार्ड को पिक नहीं करेंगे, दोबारा से शफल करेंगे। सो स्टे फोकस इन दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस कॉन्टेंट देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। सो लेट मी शफल फर्स्ट। What happening? आप लोग इतने stuck क्यों हो भाई? बॉटम ऑफ द डेक से आया है स्पिरिचुअल पाथ, यानी कि आप लोगों को एक स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करने की बहुत ज्यादा जरूरत है इस अप्रैल मंथ में। तो लेट्स सी सारे कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ईगो, गुरु, ट्रांसफॉर्मेशन, इक्वेलिटी, बी कॉन्टेंट, डोंट डाउट। अप्रैल मंथ जो आप लोगों के लिए संदेश लेके आया है वो ये लेके आया है कि आप अगर किसी सिचुएशन में डाउट कर रहे हैं तो आप उस सिचुएशन में बिल्कुल भी डाउट मत करो, क्योंकि यूनिवर्स ऑलवेज वर्किंग फॉर अस, यूनिवर्स हमेशा अपने लिए काम कर रहा है। तो जो भी आप मैनिफेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो उस चीज़ के लिए बिल्कुल भी डाउट मत करो, क्योंकि आपकी सारी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड से भी यही आया है स्पिरिचुअल पाथ, यानी कि आपको स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करने की बहुत बहुत ज़रूरत है। डू चैंटिंग एंड ऑल दीज थिंग्स। सेकेंड कार्ड बता रहा है बी कॉन्टेंट, बी सेटिस्फाइड विथ वॉट यू हैव। आपके पास जो भी चीज़ें हैं, जिस भी चीज़ों को लेके आप अभी ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, उन चीज़ों के प्रति ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करो, ये बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है। तीसरी चीज़ है इक्वलिटी, यानी कि ट्रीट पीपल इक्वली। आई थिंक आप लोगों को थोड़ा बहुत आपका ईगो या फिर थोड़ा बहुत एरोगेंसी अगर आप दिखा रहे हो तो उस चीज़ से थोड़ा सा आप हट जाओ और लोगों को इक्वली ट्रीट करना स्टार्ट कर दो। चौथा कार्ड आया है ईगो, लेट गो ऑफ योर ईगो, इट कैन बी ऑब्स्टिकल इन योर पाथ। यानी कि अगर आप देखो दोनों कार्ड एक साथ ही आए हैं, इक्वलिटी और ईगो, यानी कि कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी बात का थोड़ा बहुत अगर ईगो भी है तो उस चीज़ को आप अलग कर दो, क्योंकि यही चीज़ है जो आपके पाथ में कहीं ना कहीं रुकावट लेके आ रहा है। जैसे सेल्फ डाउट अगर आपको हो रहा है, और ये दोनों कार्ड अगर आ गए हैं इक्वलिटी, ट्रीट पीपल इक्वली और ईगो, तो आपको ये दोनों कार्ड को एक साथ समझना होगा कि आप अपने ईगो को लेट गो करो पूरी तरीके से। तीसरा पांचवा कार्ड आया है ही विल ग्रांट यू रिलीफ एंड सक्सेस। यूनिवर्स अगर आप इन तीनों चीज़ों से, स्पेशली डोंट डाउट, इक्वलिटी और ईगो, इन तीनों चीज़ों को अगर आप साथ में जोड़ें तो ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव एनर्जी भी दर्शा रहा है। अगर आप इन चीज़ों से ओवरकम होना चाहते हैं तो एक स्पिरिचुअल जर्नी की स्टार्ट कर दो, क्योंकि यहाँ पे साफ लिखा आ रहा है कि यूनिवर्स आपको एक बहुत अच्छा रिलीफ और एक सक्सेस देना चाहते हैं। लास्ट कार्ड में साफ साफ लिखा है ट्रांसफॉर्मेशन, इन्वाइट यूनिवर्स इन योर हार्ट एंड सी द मिरेकल। यूनिवर्स को अपने हार्ट में इन्वाइट करो और फिर मिरेकल देखो। यूनिवर्स की पावर बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रांग है। सेल्फ डाउट बिल्कुल मत करो, लोगों को उसी तरीके से ट्रीट करो जैसा आप चाहते हो कि लोग आपको ट्रीट करें। हम्बल, काइंडनेस और अच्छा नेचर, अच्छे से बात करो। पता मुझसे अक्सर ये पूछते हैं, दी जब कोई हमारे साथ गलत करे तो क्या करें। सबसे बेस्ट चीज़ है ना उसके साथ अच्छे रहो ना उसके साथ गलत रहो, एकदम नॉर्मल रहो, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि जैसा ट्रीट करें सब, आप भी उसको वैसे ही ट्रीट करो। तो एक लास्ट कार्ड लेना चाहते हैं ऐसा एडवाइस, कि यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस देना चाहता है। बाकी आपको ट्रांसफॉर्मेशन तो आपकी लाइफ में आ ही रहा है, क्योंकि कार्ड्स खाली दर्शा रहे हैं कि आपको ईगो को हटाना पड़ेगा और सेल्फ डाउट को हटाना पड़ेगा। तो लेट्स सी कार्ड क्या कह रहा है। लास्ट कार्ड ले लेंगे, ये है लुक विद इन, गॉड इज़ विद इन यू एंड एंड माइंड एंड हार्ट। यूनिवर्स आपके साथ हमेशा है, आपके दिलो दिमाग में यूनिवर्स है। तो आप फिर सोच क्या रही हैं, फटाफट से मैनिफेस्टेशन करो जो भी मैनिफेस्ट करना चाहती हो, ऑफ ए यूनिवर्स इज ऑलवेज वर्किंग फॉर यू। सो यार दैट्स इट फॉर टुडेज रीडिंग गाइस। इफ यू लाइक दिस कॉन्टेंट देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो टू एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स। डेली रीडिंग आपको शॉर्ट्स के रूप में मिल जाएगी,
और बाकी कुछ नहीं. गॉड ब्लेस यू ऑल. आपका अप्रैल का मंथ बहुत 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 ज़्यादा अच्छा आए. लेट्स सी व्हाट इज बॉटम ऑफ द डेक. बॉटम ऑफ द डेक अभी भी स्पिरिचुअल पाथ है, तो अपने स्पिरिचुअल पाथ को स्टार्ट करो. स्टार्ट डूइंग चैंटिंग, डूइंग सम रिचुअल्स इन होम्स लाइक पूजाज एंड हवन, थोड़ा बहुत मेडिटेशन एंड दैट्स इट. सी यू सून.